हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन ये टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके दो प्रॉब्लम्स लिए थे, उसी के साथ साथ और भी कई नंबर ऑफ टॉपिक्स हमने स्टडी किए थे। तो अगर आपने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक्स अगर नहीं स्टडी किए हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन का थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए, तो देखिए जो प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है देखिए, If z of x plus y equals to x square plus y square, then show that del z by del x minus del z by del y का whole square equals to 4 bracket में 1 minus del z by del x minus del z by del y। अगर आप properly check करेंगे तो यहाँ पे z जो है वो function आपको दिखाई दे रहा है और x और y जो है वो variable है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो जो दिया है वो हम ये ऐसा equation दिया है, that is z x plus y equals to x square plus y square, ऐसा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं z of that is x square plus y square और divided by x plus y, it means ये जो x plus y यहां multiplication में है हमने उसको इधर division में ले लिए, तो finally ये हमारा z का equation बन गया। तो ये finally ये given z ये बन गया, इसको हम equation number फिलहाल 1 दे देंगे, ठीक है। अब ये देख के आप समझ सकते हैं कि z इज अ फंक्शन एंड x एंड y आर द वेरिएबल्स, क्योंकि इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में जो होता है वो फंक्शन होता है और इक्वल्स टू के राइट साइड में वेरिएबल्स होते हैं। ये जो शो दैट में आपको दिया है वो देख के हमें यही समझ में आ रहा है, क्योंकि न्यूमरेटर में z लिखा है इट मीन z इज अ फंक्शन और डिनोमिनेटर में x y लिखा है इट मीन x एंड y आर वेरिएबल्स। तो फाइनली ये z को हमें डिफरेंशिएट करना है, हमें z को पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हमें डेल z बाय डेल x मिल जाएगा, ये देखिए यहां पे डेल z बाय डेल x है। देन हमें इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो हमें ये डेल z बाय डेल y वाला टर्म मिल जाएगा। और फिर वो मिलने के बाद हम ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होता है कि नहीं वो हम चेक करेंगे। तो चलो इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो चलो यहां डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहां पे स्टेप लिखेंगे, दैट इज पार्शियली डिफरेंशिएट। तो हम लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है y जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो हम यहां लिखेंगे बाय कीपिंग y एज अ कांस्टेंट। तो y को हम कांस्टेंट करेंगे तो फाइनली हम इसको जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसके लेफ्ट साइड में हो जाएगा डेल z बाय डेल x इक्वल्स टू राइट साइड में डिफरेंशिएशन करते समय अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे x के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ऊपर भी x है नीचे भी x है, इट मींस हमें यहां पे कोशेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। कोशेंट रूल क्या है वो देखिए, हम यहां पे कोशेंट रूल यहां लिख के दे देते हैं। तो ये है डेल बाय डेल x ऑफ u बाय v, हम यहां पे कोशेंट रूल तैयार कर रहे हैं, इट मींस डिवीजन रूल। तो ऐसा है देखिए, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, तो ये ऐसा हो जाएगा डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये देखिए ये ऐसा कोशेंट रूल है यानी ही डिवीजन रूल है, हम इसका यूज करके इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलो हम इसका यूज करेंगे और देखते हैं इसका यूज करके कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये देखो हमें इसको डिफरेंशिएट करना है जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो पहले डिनोमिनेटर लिखना है देन डिफरेंशिएट करना है न्यूमरेटर को, माइनस फिर न्यूमरेटर करना है यहां पे लिखना है और फिर डिफरेंशिएट करना है डिनोमिनेटर को और लास्ट में डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है। तो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर लिखो, तो ये हम लिखेंगे दैट इज डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, y स्क्वायर का तो जीरो हो जाएगा बिकॉज y जो है वो कांस्टेंट है और x स्क्वायर का हो जाएगा ट्वाइस x, तो ये हमने लिखे ट्वाइस x माइनस, अब हम लिखेंगे यहां न्यूमरेटर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये देखिए पहले हमने डिनोमिनेटर लिखे, देन हमने न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट किए वो ये है, देन माइनस न्यूमरेटर हमने पूरा का पूरा लिख दिए और अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन x प्लस y, x का डिफरेंशिएशन 1 और y का 0, तो ये हम लिखेंगे इनटू 1 और बाद में डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है। ये देखो जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर का स्क्वायर इसका मतलब x प्लस y का होल स्क्वायर। तो ये देखिए ये फाइनली ऐसा हुआ, ठीक है, ये डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस ये न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। और अब इतना होने पर हम क्या करेंगे, ये 2x से यहां मल्टीप्लाई करेंगे और यहां मल्टीप्लाई करेंगे और इसको थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे और देखते हैं ये क्या होता है।
तो न्यूमरेटर में चेंजेस हो जाएंगे, तो ये 2x into x, that is 2x square, then यहाँ पे y के साथ करो तो ये हो जाएगा 2xy, then यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्योर, देन माइनस वाई स्क्योर। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये जो माइनस है यहाँ माइनस से हर एक टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हमने कर लिए। और डिनोमिनेटर में जो है यहाँ पे फिलहाल एज इट इज रहें दो डिनोमिनेटर, अगर इसको एक्सपांड करने की फिलहाल जरूरत नहीं है, अगर आगे जरूरत पड़ती है तो फिर हम आगे एक्सपांड करेंगे, फिलहाल इसको एज इट इज रखो। अब देखो न्यूमरेटर में क्या होगा, न्यूमरेटर में अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो ये 2x स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर है, इन दोनों में सब्सट्रैक्शन करो तो देखते हैं ये क्या रहेगा। तो ये हो जाएगा दैट इज एक्स स्क्वायर, देन ये ट्वाइस एक्स वाई एज इट इज है और ये माइनस वाई स्क्वायर। तो फाइनली ये न्यूमरेटर ऐसा बन गया और डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। तो फिलहाल एक मिनट, होल स्क्वायर, और अब ये फाइनली हमें डेल जेड बाय डेल एक्स मिल गया। ये डेल जेड बाय डेल एक्स ये जो हमें मिला इसका और कोई एक्सपांशन नहीं हो सकता, तो इसको फिलहाल ऐसा ही रहने दो। ये जो डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर है इसको एक्सपांड करके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इसका कोई, ये कोई बेसिक फार्मूले में नहीं बैठता है, तो इसको एज इट इज रहने दो और डिनोमिनेटर भी एज इट इज रहने दो। तो फाइनली हम इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर ए, तो हम इसको इक्वेशन नंबर ए कहेंगे। तो हमने z को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिए तो ऐसा हो गया। अब यही z को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और फिर दोनों को यहां पे सब्सट्रैक्ट करो, क्योंकि यहां पे देखो डेल z बाय डेल x और डेल z बाय डेल y को सब्सट्रैक्ट किया है, तो हमने डेल z बाय डेल x तो निकाल लिए। अब ऐसा ही डेल z बाय डेल y फाइंड आउट कर लो, फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट करो, फिर देखते हैं सब्सट्रैक्ट करने के बाद दोनों में क्या होता है। तो चलो इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम यहां लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट, पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू वाई बाय कीपिंग एक्स एज अ कॉन्स्टेंट। तो ये हमने लिख दिए और अब हमें ये इक्वेशन नंबर वन को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो जेड का हो जाएगा डेल जेड बाय डेल वाई। तो ये हम लिखेंगे डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल्स टू, अब देखो वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते समय भी आपको क्वेश्चन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर भी y है और नीचे भी y है, इट मीन्स हमें यहां डिवीजन रूल यानी ही क्वेश्चन रूल ये जो है हमें इसको यूज करना पड़ेगा। तो वो क्या है, पहले डिनोमिनेटर लिखना है, देन न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर देन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन और बाद में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो चलो हम यहां पे लिखेंगे, तो ये देखिए सबसे पहले हम यहां डिनोमिनेटर लिख लेंगे, डिनोमिनेटर है एक्स प्लस वाई, देन न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा इनटू ट्वाइस वाई, देन यहां पे न्यूमरेटर लिखेंगे और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे दैट इज इनटू वन और बाद में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये देखिए ऐसा चेक करो ये करेक्ट है कि नहीं, देखिए बहुत ही आसानी से हमने लिखे एक्स प्लस वाई, हमने सबसे पहले लिखे न्यूमरेटर में, देन हमने डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जीरो और वाई स्क्वायर का ट्वाइस वाई, तो ये देखिए ट्वाइस वाई आ गया। देन हमने माइनस न्यूमरेटर का टर्म लिखे और देन हमने डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन में एक्स का डिफरेंशिएशन जीरो और वाई का डिफरेंशिएशन वन और फिर डिवीजन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर यहां पे किए। और अब हम इसको एक्सपांड करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसा हमने यहां किए थे, यहां ट्वाइस वाई से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करो और यहां माइनस से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करो और देखते हैं इसी टाइप का कुछ बनेगा। और डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर है, उसको एज इट इज रहें तो फिलहाल उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहां ट्वाइस वाई से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा ट्वाइस एक्स वाई प्लस ट्वाइस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो तो ये देखो यहां पे ट्वाइस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लो क्योंकि दोनों सिमिलर टर्म्स हैं और डिनोमिनेटर फिर से वही रहने दो, तो डिनोमिनेटर हमने वही रख देंगे एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर और न्यूमरेटर में हम सबसे पहले यहां पे वाई स्क्वायर का टर्म लिखेंगे, देन ट्वाइस एक्स वाई का टर्म हम लिखेंगे और फिर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया डेल जेड बाय डेल वाई, हमने डेल जेड बाय डेल वाई फाइंड आउट कर लिए, तो ये हो गया। इसको इक्वेशन नंबर हम बी दे देंगे और फिर जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। और अब हमें जो प्रूफ करना है उसके ऊपर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे शो दैट में क्या लिखा है, शो दैट में ये इक्वेशन लिखा है, इसमें एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस वो हमें प्रूफ करना है। तो हम एक काम करेंगे, एल एच एस को अलग से सॉल्व करेंगे, आर एच एस को अलग से सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को हम कंपेयर करके देखेंगे, दोनों अगर कंपेयर होते हैं तो ये शो दैट जो है वो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन नंबर ए और बी है वो हम यहाँ साइड में लिख के रखते हैं ताकि बाद में हम इसका यूज कर सके, डेल जेड बाय डेल एक्स और डेल जेड बाय डेल वाई जो हमने सॉल्व किए वो हम यहां पे लिख रहे हैं।
तो ये देखिए इक्वेशन नंबर ए और बी जो हमने प्रूफ किए वो हमने यहां लिख के रख दिए ताकि हमें आगे उसको यूज कर सके। तो चलो अब हम इसको मिटाएंगे और यहां पे लेफ्ट हैंड साइड लेके हम उसको प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हम यहां लिखेंगे डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल जेड बाय डेल वाई, इसका होल स्क्वायर हमें ये सॉल्व करना है। तो डेल जेड बाय डेल एक्स और डेल जेड बाय डेल वाई की इक्वेशन है हमारे पास, बस इसी को उठा के वहां आपको रखना है और उसका होल स्क्वायर करना है। तो चलो देखते हैं वो क्या होता है। तो दोनों इक्वेशंस हम यहां पे लिख लेंगे। तो ये देखिए दोनों इक्वेशंस को हमने यहां लिख दिए हैं, ये डेल जेड बाय डेल एक्स और ये डेल जेड बाय डेल वाई दोनों हमने यहां लिख दिए और अब हमें इसको सॉल्व करना है, दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब न्यूमरेटर जो है वो डायरेक्टली आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पहले डिनोमिनेटर यहां पे लिख देंगे और न्यूमरेटर को आप डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट करेंगे, लेकिन सब्सट्रैक्ट करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि यहां निगेटिव सामने है तो आपको निगेटिव से जो है तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर यहां पे सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर पहला न्यूमरेटर एज इट इज है, लेकिन सेकंड न्यूमरेटर यहां माइनस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा हो जाएगा और फिर यहां पे इसका होल स्क्वायर भी है। तो होल स्क्वायर की तरफ ध्यान देंगे, ये देखिए यहां पे ब्रैकेट का आपको स्क्वायर देना पड़ेगा और अब यहां पे कुछ टर्म्स जो है वो कट जाएंगी। तो यहां ट्वाइस एक्स वाई माइनस ट्वाइस एक्स वाई हो जाए कट जाएगा और जो बचेगा वो हमें यहां लिखना है। तो यहां एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को ऐड करो तो ये हो जाएगा ट्वाइस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर को ऐड करो तो माइनस ट्वाइस वाई स्क्वायर और डिनोमीटर में है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और ये भी ब्रैकेट का स्क्वायर आपको देना पड़ेगा। और अब यहां पे टू कॉमन है, देखो न्यूमरेटर में टू कॉमन ले लेंगे तो ये ऐसा बचेगा टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डिनोमिनेटर में x प्लस वाई होल स्क्वायर ये एज इट इज रहने दो और यहां पे एक मिनट x प्लस वाई होल स्क्वायर है और यहां पे ब्रैकेट का भी होल स्क्वायर है तो वो भी आपको देना है। अब क्या करेंगे देखिए, अब यहां पे ये जो 2 है 2 का स्क्वायर कर लो और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में फॉर्मूला लगता है तो सबसे पहले ये 2 का स्क्वायर करो तो ये 4 हो जाएगा और वो बाहर हम लिख लेंगे। तो ये हमने उसको बाहर लिख दिए और अब यहां पे न्यूमरेटर में अगर आप चेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में यहां पे एक डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला देखो हम यहां लिख के देते हैं, ए स्क्योर माइनस बी स्क्योर का फॉर्मूला है दैट इज ए माइनस बी ए प्लस बी, ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगता है और इसी का यूज करेंगे हम। तो देखिए यहां पे ये एक्स स्क्योर माइनस वाई स्क्योर को ये हम लिखेंगे एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई और डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वाई का होल स्क्योर है और यहां पे ब्रैकेट का भी स्क्योर है। और अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे यहां पे कुछ टर्म्स कट जाएंगी, यहां पे x प्लस वाई है ये नीचे x प्लस वाई के स्क्वायर के साथ कट जाएगा, यहां पे दो टर्म्स है तो एक कट गया एक बच जाएगा तो जो बचेगा वो अब आपको लिखना पड़ेगा। तो देखो हम यहां पे लिखेंगे, अब बाहर 4 बच गया और क्या क्या बच गया, यहां पे न्यूमरेटर में x माइनस वाई बच गया तो ये हम लिखेंगे x माइनस वाई और डिनोमीटर में स्क्वायर में से एक जो है टर्म एक ब्रैकेट कट गया और बचेगा एक, इसका मतलब x प्लस वाई बचेगा और यहां पे बड़े ब्रैकेट का स्क्वायर है होल स्क्वायर है। तो फाइनली ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ऐसा प्रूफ कर दिए, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इट मींस हमने डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल जेड बाय डेल वाई होल स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, वो इतना निकला, इसको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इतना ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे, तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड और अब हम राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे और देखेंगे कि राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद इतना ही आंसर आता है कि नहीं। अगर इतना ही आंसर आता है तो इट मींस हमारा LHS और RHS जो है वो सेम हो जाएगा और ये जो इक्वेशन है ये प्रूफ हो जाएंगी। तो फिलहाल जो है हम इसको इक्वेशन नंबर यहां पे हम इसको इक्वेशन नंबर C दे देंगे, इक्वेशन नंबर A और B इसके पहले हो गया था, हमने इक्वेशन नंबर C उसको दे दिए, हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ कर दिए और अब हम राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। और जो आंसर हमने ये निकाला है, ये जो आंसर हमने निकाला है ये आंसर को हम यहां पे लिख लेते हैं ताकि उसको कंपेयर करने में आसानी हो। तो ये डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल जेड बाय डेल वाई का होल स्क्वायर, इट मींस हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ किए तो उसका आंसर है हमारे पास 4 ब्रैकेट में यहां पे और इसका स्क्वायर है यहां पे x माइनस वाई और x प्लस वाई, हमें ये आंसर पता है, इसको हम इक्वेशन नंबर सी दे देंगे। हमने ये लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ किया है और देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड ये जो हमने प्रूफ किया है वो राइट हैंड साइड के साथ मैच करता है कि नहीं, इसका मतलब अब हमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करना पड़ेगा। चलो देखते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करके इतना आंसर आता है कि नहीं, अगर इतना आंसर आ गया इट मींस वो इक्वेशन हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो चलो सॉल्व करेंगे, तो अब ये राइट हैंड साइड का इक्वेशन हम यहां लिख लेंगे दैट इज 4 वन माइनस डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल जेड बाय डेल वाई, ये हमने यहां लिख दिए और अब हमें इसको सॉल्व करना है, देखते हैं क्या होता है। तो यहां पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 बाहर रखें और ब्रैकेट में यहां पे 1 माइनस, अब डेल जेड बाय डेल एक्स और डेल जेड बाय डेल वाई है हमारे पास, ये देखिए इक्वेशन नंबर ए और बी में हमने उसको प्रूफ किए थे तो यही उठा के यहां लिख लेंगे। तो चलो हम यहां पे लिखते हैं,
तो ये देखिए हमने इक्वेशंस यहां लिख दिए, ये इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी, दोनों इक्वेशंस हमने वहां लिख दिए और अब हमें उसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, ये पूरे इसका एलसीएम ले लो, x प्लस वाई होल स्क्वायर उसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो सॉल्व करने में आसानी रहेगी। ये जो 4 बाहर में है उसको बाहर ही रहने दो और ये पूरे ब्रैकेट का एलसीएम ले लो, दैट इज x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो हम लिख लेंगे x प्लस वाई होल स्क्वायर। इट मींस हमें क्या करना है, जो हमने एलसीएम ले लिया x प्लस वाई होल स्क्वायर, x प्लस वाई होल स्क्वायर से ये पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो। इट मींस इसको भी मल्टीप्लाई करो, इसको भी मल्टीप्लाई करो और ये टर्म को भी मल्टीप्लाई करो। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को अगर आप x प्लस वाई होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बचेगा x प्लस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम x प्लस वाई होल स्क्वायर यहां लिख देंगे। हमने 1 को मल्टीप्लाई कर लिया x प्लस वाई होल स्क्वायर से, देन ये टर्म को x प्लस वाई होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो वो न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का कट जाएगा और ये पूरा जो न्यूमरेटर है ये एज इट इज बचेगा लेकिन माइनस के साथ। तो माइनस की तरफ आप ध्यान देंगे, फिलहाल आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। और जब आप ये टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई होल स्क्वायर से तो वो भी यहां पे कट जाएगा इसके साथ, तो न्यूमरेटर ये बचेगा माइनस यहां पे और ब्रैकेट के साथ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। और अब देखिए हमने ये लिख दिए और अब हमें इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा स्टेप बाय चलो, यहां से ये 4 बाहर है तो इसको 4 को बाहर ही रहने दो। डिनोमिनेटर में x प्लस वाई होल स्क्वायर एज इट इज है, उसको फिलहाल सॉल्व मत करो, अगर आगे जरूरत पड़ी तो हम उसको सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर को यहां पे एक्सपांड करो, एक्सपांड का अर्थ यह है कि यहां पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो, देन यहां पे माइनस से तीनों टर्म्स को यहां मल्टीप्लाई कर लो और यहां भी आप माइनस से जो है वो तीनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लो और देन यहां पे कुछ ना कुछ कट हो जाएगा। पहले यहां पे x प्लस वाई होल स्क्वायर कर लो, x प्लस वाई होल स्क्वायर यहां पे आ जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, देन यहां से मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। और अब देखिए ये ऐसा करने के बाद क्या हुआ, यहां पे काफी सारे टर्म्स जो है यहां पे कट सकती है, 4 बाहर है तो उसको बाहर ही रहने दो। और अब देखिए यहां पे क्या कटेगा, तो सबसे पहले तो ये ट्वाइस एक्स वाई, ये ट्वाइस एक्स वाई और ये ट्वाइस एक्स वाई कट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, और क्या बचेगा यहां पे अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे, ये वाई स्क्वायर भी कट जाएगा। ठीक है, और क्या बचेगा देखिए यहां पे वाई स्क्वायर बच गया, ये ट्वाइस एक्स वाई बच गया और ये एक्स स्क्वायर बच गया। इसका मतलब जो बचेगा हम इसको ऐसा लिखेंगे, ये देखिए यहां पे पहले एक्स स्क्वायर का टर्म लिखो, तो ये हमने एक्स स्क्वायर लिख दिए, देन ये ट्वाइस एक्स वाई का टर्म लिखो माइनस ट्वाइस एक्स वाई और देन ये वाई स्क्वायर का टर्म लिखो तो ये प्लस वाई स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर ये एज इट इज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये देखिए ऐसा। और अगर आप इसको इसको ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा, ये देखिए यहां पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये हो गया डिनोमिनेटर में x प्लस वाई होल स्क्वायर और न्यूमरेटर में है x माइनस वाई होल स्क्वायर का फार्मूला, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्सपांशन जो है वो x माइनस वाई होल स्क्वायर का है। तो यहां पे हम x माइनस वाई होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं और ये बड़ा ब्रैकेट यहां दे देंगे। और अब इतना होने के बाद यहां पे बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, इसका मतलब स्क्वायर जो है वो आप कॉमन ले लो। अगर आप यहां पे स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये टर्म जो है ये ऐसी हो जाएंगी, देखिए यहां पे लिखते हैं एक मिनट, यहां पे हम यहां पे लिखेंगे 4 यहां बाहर ले लिए और यहां बड़ा एक ब्रैकेट दे देंगे और उसका स्क्वायर दे देंगे, दोनों का स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे और न्यूमरेटर में बचेगा एक्स माइनस वाई और डिनोमिनेटर में बचेगा एक्स प्लस वाई। तो देखिए अब हमने इसको सॉल्व कर दिए, इसको इक्वेशन नंबर डी दे दो, हम इसको इक्वेशन नंबर डी कहेंगे। और अब इक्वेशन नंबर सी और इक्वेशन नंबर डी को आप कंपेयर करो, इक्वेशन नंबर सी जो ये हमने प्रूफ किए थे, इक्वेशन नंबर सी इट मींस ये जो एलएचएस है, ये एलएचएस को हमने सॉल्व किए थे, एलएचएस को सॉल्व करने के बाद इतना आया था, हमने आरएचएस को भी सॉल्व किए, आरएचएस को भी सॉल्व करने के बाद वही आया है। इट मींस देखिए इक्वेशन नंबर सी और इक्वेशन नंबर डी को कंपेयर करके ये क्लियर होता है कि ये एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस है, तो ये प्रूफ हो सकता है। तो हम यहां पे कुछ स्टेप्स यहां पे लिख देंगे, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सी एंड डी, फ्रॉम इक्वेशन सी एंड डी हम यहां पे लिखेंगे दैट इज डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल जेड बाय डेल वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पे पहले 4 लिखना पड़ेगा, 4 इंटू 1 माइनस डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल जेड बाय डेल वाई। इट मींस जो शो दैट में इक्वेशन है वही इक्वेशन हमने यहां पे लिख दिए और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर सी एंड डी, क्योंकि दोनों का आरएचएस आरएचएस सेम है तो दोनों का एलएचएस एलएचएस भी सेम होगा, तो इसका एलएचएस इक्वल्स टू इसका एलएचएस। इट मींस हमने इक्वेशन नंबर सी और डी को इक्वेट किए, आप यहां
आप यहां पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सी एंड डी ऐसा लिखो, या तो इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर सी एंड डी ऐसा लिखो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली जो हमें शो दैट करना था, जो हमें प्रूफ करना था, वो यहां पे प्रूफ हो चुका है। तो ये प्रॉब्लम यहां पे कंप्लीट हो गया। तो ये था पार्शियल डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम नंबर 3 जो हमने कंप्लीट कर लिए। काफी बड़ा प्रॉब्लम था, एक ही बोर्ड में ये नहीं आया, इसलिए हमने इसको सॉल्व करते गए और जो भी आंसर्स है वो हम यहां लिखते गए और इस तरह से ये इक्वेशन प्रूफ हो गया। इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी वीडियोस और सभी प्रॉब्लम स्टडी करने के लिए आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।